जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमवेद शिवम में, और मैं सोम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में जो नई भर्ती आ रही है, आप सबके लिए, आप सबकी डिमांड पर आपका अपना परिवार बीएससी एमवेद शिवम लेकर के आया है मैथ्स को बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है, मैथ की वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो रुक रहा है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका ये भाई है ना, बिल्कुल मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैथ्स की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा होगा तो मैं रुकने नहीं दूंगा, ठीक है। खासकर मैथ की वजह से तो बिल्कुल नहीं रुकने दूंगा, और आपको अगर बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आप मेरे साथ कंटिन्यू करिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप मैथ को बिल्कुल हंसते हंसते सीख जाएंगे। जिन लोगों की मैथ बहुत अच्छी है वो भी मेरे साथ इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करी गई ये क्लास, जीरो लेवल से एक बेहतरीन अंदाज में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ मैं आपके लिए सारी चीजों को रखूंगा, ठीक है। दोस्तों, आप सबको हम बताना चाहेंगे, एक सिंपल सी बात मेरी रहेगी, आप समझ लो। पहले देखो, अगर इस बार चूके ना तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, ठीक है, बाद में पछताना पड़ सकता है आपको। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। भर्ती की संख्या कितनी भी हो, पर मैं आपको बताऊं, भर्ती की संख्या ज्यादा रहेगी इस बार, अक्रॉस 50,000 के आसपास जो है वो भर्ती मिलेगी। लेकिन भर्ती की संख्या कितनी भी हो, आपको तो एक सीट पक्की करनी है ना, आपको तो एक सीट पक्की करनी है ना मेरे भाई। तो आप कुछ भी हो जाए, एक सीट सरकारी नौकरी की आप लेकर के रहेंगे, आपको कसम है, बिल्कुल है ना। अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो एक मेहनत के साथ पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल साइड करिए चीज़ों को, ठीक है। तो मेरी बात को दिल पर जरूर लीजिएगा, और साथ ही में जो माता पिता आपके, आप खुद बताओ एक बात, वो राह देख रहे हैं कि भाई साहब मेरा जो बेटा है वो कहीं ना कहीं एक वर्दी में मैं उसे देख पाऊँ, है ना। आप खुद बताओ, आपको ऐसे ही घूमना है या कंधे पर स्टार लगा के घूमना है, है ना, कंधे पर स्टार लगा के घूमना है 100 नंबर की गाड़ी में, है ना, या फिर ऐसे ही घूमना है, बताओ। आप सबके हाथ में है सारी चीज़ें। देखो, मैथ्स की अगर प्रॉपर बात मैं करूँ तो क्वेश्चन देखो, आप ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, अंडर रूट सात, उस तरह से डैश 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 आपको दे देगा इनफाइनाइट तक, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई इसका आंसर 7 होगा, 1 होगा, 42 होगा या फिर 0 होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है, जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिख जाएं आप चुपचाप से बता देंगे 7 7 7 लिखा है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि आंसर 7 इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था इसलिए कर दिया, अरे भाई बिल्कुल नहीं है ना, डर जाओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और आपके माइंड से एग्जामिनर खेलता है। टाइप टू की मैं बात करूं, अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, बताओ, आपसे कह दे कि बताओ रूट फाइव है ना, और आपसे कह दे कि बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, तो आप एक सेकंड में देखते ही आंसर मार दोगे, आप कहेंगे सर 5 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की जो आपके स्क्रीन पर रहेगा, टाइप टू में 12 + 12 रूट में है सारी चीज़ें, + √12 + √12, और ये इनफाइनाइट तक आपको दिया है, और आपसे बोल रहा है कि भाई साहब बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप देखते ही लगा देंगे कि 12 हो जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 12 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 4। मैं बताऊँ कैसे, देखो आप क्या करेंगे, 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 3 12 है ना, लेकिन इसमें डिफरेंस कितने का बनना है, 1 का, आपको याद रखना है डिफरेंस 1 का बनाना है, ठीक है। डिफरेंस कितने का बनाना है, 1 का बनाना है। ऐसे तो 12 6 × 12 भी होते हैं, होते कि नहीं होते, तो इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 4 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपको डिफरेंस कितने का बनाना है, तो आप कहेंगे सर 1 का डिफरेंस बनाना है। अगर 1 का डिफरेंस बन रहा है तो पहले जो संख्या लिखी है ना, अगर यहाँ पे जोड़ लगा हुआ है, यहाँ पे धन का साइन है, तो यहाँ पे जो पहली संख्या है 4, वो इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो फिर क्या आंसर हो जाता, तो फिर ये सेकंड नंबर का 3 आंसर हो जाता। देखो मैं बता दूँ कैसे, मान लो एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 56 + √56 + √56 और + ... करके यहाँ पे इनफाइनाइट तक, और आपसे पूछ लिया कि बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, यहाँ पे माइनस लगा लो, इस बार यहाँ पे माइनस लगा दो, और आपसे पूछ ले कि बताओ क्या आंसर होगा, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर है ना, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 8, और यहाँ पर 7 लेंगे, यहाँ पे इस माइनस की वजह से, ठीक है, इस माइनस की वजह से ये आंसर हो जाएगा आपका 7। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करता हूँ कि आपने चीज़ों को समझ लिया होगा और एक अच्छे तरीके से आपको पता चल गया होगा। दोस्तों, बात करेंगे टाइप 3 का जो क्वेश्चन है, √7 √7 √7, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इसका मान क्या होगा, और ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, आपको बताना पड़ेगा। देखो भाई, हम आपको बताएं, अभी पहले जो हमने आपको क्वेश्चन बताया था कि √7 √7 √7, और इसमें जो पूछा गया था इनफाइनाइट तक पूछा गया था, और आपसे कहा था आंसर बताओ, तो आपने देखते ही आंसर लगा दिया था भाई,
कि इसका आंसर 7 हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, याद रखना है। आप देखो, अगर रूट लगा हो, है ना, किसी भी संख्या में अगर रूट लगा हो तो उसको क्या मानते हैं भाई, तो आप कहेंगे सर 2 लिखते हैं यहाँ पे। कैसे, जैसे अगर रूट 2 लिखा है तो उसका मान 2 की पावर 1/2 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 की पावर 1/2 हो जाता है। साथ ही में इन सबको देखो, कुछ बड़ी बात नहीं बता रहे हैं, या इन सबके लिए 2 होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं। तो आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया, 7 इसकी पावर आप लिखेंगे, ये यहाँ पे क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर 2 लिखे हैं, तो आप यहाँ पे 2 लिख लेंगे। कितनी बार लिखे हैं, तो आप कहेंगे सर 3 बार, 1 2 3, 3 बार लिखे हैं, तो आप यहाँ पे पावर कितनी कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 3 पावर यहाँ पे जो है आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 3 पावर आने के बाद आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे होता है एक -1, और यहाँ पे सेम चीज़ होती है जो 2 की पावर 3 आपने ऊपर लिखी है वो, तो आप इसे जब हल करेंगे 7 की पावर 2 की पावर कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 3, यानी कि 2 को 3 बार लिखना है ना, 2 को कितनी बार लिखना, तो आप कहेंगे सर 3 बार। कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, और 4 का अगर 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मान कितना होगा 2 की पावर 3 का, तो आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 हो जाएगा, और साथ ही में -1 है ही ना, है ही ऊपर, और लास्ट में 2 की पावर 3, तो इसका मान भी 8 होता है। कैसे होता है मैं आपको बता चुका हूँ, 2 को 3 बार लिखते हैं, 2 × 2 = 4, ये 2 बचा है, इस वजह से 4 दूना आप कहेंगे सर 8। तो इसी तरह से ये हो गया था, और हमने यहाँ पे लिखा है, तो 7 की पावर 8 में से 1 गया, तो आप कहेंगे सर कितना बचा है, तो आप कहेंगे सर 7 बचा है। कितना बचा है, 7 बचा है, और नीचे की बात करेंगे तो 8 बचेगा। ऑप्शन ही गलत हैं, ये ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, ये वाला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, ये वाला आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलो अब आपको हम एक बात और बताएं, आप इस बात को याद रखेंगे, आपकी जो जितनी भी क्लासेस हैं, अपनी सरकारी नौकरी वाला जो आपका परिवार है, एम्बेड शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर ही आपको उपलब्ध होंगी। ठीक है, क्योंकि इस जो परिवार पर आप वीडियो देख रहे हैं, BSc एम्बेड शिवम पर, इस पर हम आपको BBSc BCom की क्लासेस उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही में दोस्तों देखो, आपसे अगर पूछ ले कि भाई बताओ, सिंपल ऐसे क्वेश्चन का मान पूछ ले कि बताओ क्या होगा, तो झटके में ही आंसर दे देंगे, 5। आप कहेंगे सर रूट लगा है, है ना, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, है ना, और अगर देखें तो सेम चीज़ नीचे आ जाएगी, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर वही 5 की पावर 7/8, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते ही आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा दिया है। ठीक है, तो आप सबके लिए सारे विषयों की क्लासेस हम उपलब्ध कराएंगे, एक अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में सारे विषय की क्लास रहेगी। हम आपको बताना चाहेंगे, मैथमेटिक्स की जो पहली क्लास है, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप क्लास स्टार्ट करना चाहते हो, अपने दोस्तों को बताओ, है ना। अगर इस वीडियो पर मैं टारगेट रखता हूँ, अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आ जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल, अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आ जाते हैं तो फिर क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल बहुत जल्द आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और एक बेहतरीन अंदाज में करूंगा। ठीक है, साथ ही में जो आपको मैंने बात बोली थी, उस बात को आपको भूलना नहीं है कि इस बार अगर चूके तो फिर चूक गए। ठीक है, तो आपको चूकना नहीं है, एक सिंपल सी शायरी आप सबके लिए रहेगी। ठीक है, मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर बनना है तो गेम चेंजर बनिए, क्योंकि ये दुनिया पूरी खिलाड़ियों से पहले ही भरी हुई है। तो बिल्कुल आपको गेम चेंजर बनना है, और हर हाल में इस सरकारी नौकरी की एक सीट को लेकर के रखना है, और आपको क्या है, पुलिस बनकर के ही आप दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही है, इसमें आप रुकेंगे नहीं, और एक बेहतरीन अंदाज में सारी रणनीति के साथ चीज़ों को एक अच्छे अंदाज में हम आपके लिए कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताओ वीडियो कैसे लगी, और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें बता दें, और बाकी जो चैनल है अपना एम्बेड शिवम सरकारी नौकरी वाला परिवार, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।